हरियाणा में नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बुधवार को पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में उन्हें नेता चुना गया। मीटिंग में विधायक कृष्ण बेदी ने नायब सैनी को नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका अनिल विज और आरती राव ने समर्थन किया। फिर भी विधायकों ने नायब सैनी के नाम पर सहमति दे दी। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने नायब सैनी की सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने की घोषणा की। शाह ने कहा कि हरियाणा की स्थापना से लेकर अब तक कोई भी मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार सफल नहीं हुआ। युवा नायब सैनी के नेतृत्व में हम तीसरी बार चुनाव जीत पाए हैं। शाह के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहे। इसके बाद नायब सैनी ने अमित शाह के साथ राजभवन जाकर गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान तीन निर्दलीय विधायक ने भी बीजेपी का समर्थन पत्र सौंपा। कल गुरुवार को 11 बजे पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों में शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों समेत 37 नेता मौजूद रहेंगे। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 48 सीटें जीती थी। अमित शाह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा का विकास किया। पहले जातियों के आधार पर भी सरकार चली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जाति के आधार पर विकास की संकल्पना को खारिज कर दिया। हम हर वर्ग को ध्यान में रखकर विकास करने में विश्वास करते हैं। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी ने 36 बिरादरी के विकास की सरकार चलाई। इन तीन कारणों ने तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनवाई है। हरियाणा के मनोनीत मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, कुछ बच्चों के रिजल्ट कमीशन की तरफ से तैयार हो चुके हैं। जैसे ही कमीशन उन्हें जारी करने लगा तो विपक्षी दल इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गए। मामला हाईकोर्ट में चला गया और उस पर रोक लग गई। हमने अनाउंसमेंट की थी कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। आज भी हम अपनी बात पर कायम है। 24,000 बच्चों का रिजल्ट कमीशन ने तैयार कर रखा है। कमीशन उसे कल शपथ से पहले जारी कर देगा।